डियर स्टूडेंट, आरसीआई एजु हब बांसु की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन बात कर रहे थे एल्कोहल निर्माण की वीडियो में, गिरनार अभिकर्मकों से एल्कोहलों का निर्माण चल रहा था, जिसमें अपन ने बात कर ली थी कि वन डिग्री एल्कोहलों का निर्माण करने की विधियां, उसमें अपन ने पढ़ लिया था फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण। उसी टॉपिक के अंदर अपन बात करेंगे वन डिग्री एल्कोहलों का निर्माण ऑक्सीजन से किस प्रकार होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आज का अपना ऑक्सीडेंस से या इसी का नाम है इपोक्साइड से। यानी ऑक्सीडेन या इपोक्साइड से किस प्रकार वन डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है। देखिए आप, ऑक्सीडेन जो है उसका इसमें होता क्या है कि ऑक्सीडेन जो है उसकी अभिक्रिया गिरनार अभिकर्मक के साथ करवाई जाती है, तो वहां से क्या बन जाएगा, एडक्ट बन जाएगा योगोत्पाद। किसकी प्रेजेंस में अभिक्रिया करवाएंगे, वही उसके ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होगी। अब उस योगोत्पाद का यहां से क्या करवाएंगे, उसी प्रकार से जैसे आपने एसिड की प्रेजेंस में एसिड के रूप में आपने तनु H2S4 भी ले सकते हैं, तनु HCl भी ले सकते हैं, इसकी उपस्थिति में अपन क्या करवा दें, हाइड्रोलाइसिस करवा दें, तो वहां से किसका निर्माण हो जाएगा, एल्कोहलों का निर्माण हो जाएगा। तो यहां पर सिंपल से लिख रखे हैं कि ऑक्सीजन की अभिक्रिया गिरनार अभिकर्मक के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई जाती है, तो एडक्ट बनेगा और उस एडक्ट का तनु एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करवा दे तो एल्कोहलों का निर्माण हो जाता है। देखें एग्जांपल के रूप में किस प्रकार से होता है, इसको बोलते हैं ऑक्सीरेन। ऑक्सीरेन का मतलब थ्री मेंबर रिंग है, साइक्लिक रिंग है और बीच में कौन एड है, ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं ऑक्सीरेन। इस ऑक्सीरेन की अभिक्रिया किसके साथ करवाएं, गिरनार रिएजेंट के साथ RMGS, किसकी प्रेजेंस में अभिक्रिया होगी, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। तो देखो कैसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, R नेगेटिव आएगा, मेटल पे क्या जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव। अब यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है, यहां पे कौन है, ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता में क्या होता है, डिफरेंस। तो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर शिफ्ट हो जाएंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एलिमेंट की तरफ हो जाएंगे, चाहे तो आप ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट करवाए चाहे ये वाला। देखो मैंने ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट करवाया, यहाँ पे क्या आएगा पार्शियली नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा पार्शियली पॉजिटिव। तो देखो इस नेगेटिव पे कौन ऐड हो जाएगा, ये पॉजिटिव पार्ट, और इस पॉजिटिव पे कौन ऐड हो जाएगा, ये नेगेटिव। देखिए क्या बन जाएगा आपका एडक्ट के रूप में, यहाँ से ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट हो चुका है। देखो यहाँ पे क्या है CH2, ये क्या है आपका CH2, इस CH2 के ऊपर प्लस पे क्या जुड़ जाएगा आपका आर नेगेटिव, तो मैंने यहाँ पे जोड़ दिया ये आर। ये आपका CH2, यहाँ पे क्या है O है, देखो ये आपका CH2, ये क्या था आपका O, इस O नेगेटिव पे क्या जुड़ जाएगा MgX, मैंने यहाँ पे जोड़ दिया MgX। यानी इस चीज को मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ, ये क्या है आपका R, ये क्या है CH2, ये क्या है आपका O MgX। आप इसका क्या करवाएंगे, आपको तनु एसिड की प्रेजेंस में तनु H+, अब H+ के रूप में आपके पास क्या हो सकता है, H+4 भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, क्या कर पाएंगे यहाँ से जगह घटक कैसे टूट जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, कौन सा बॉन्ड डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ से ये पॉजिटिव आएगा पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा पार्शियली नेगेटिव। तो देखो इस नेगेटिव पे कौन जुड़ जाएगा, एच पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा आपका RCH2CH2OH, ये MgX पहले से जुड़ा हुआ है, इस Mg पे कौन आ जाएगा OH नेगेटिव, इसको बोलते हैं बेसिक मैग्नीशियम हैलाइड, इसका नाम क्या होता है, क्षारीय मैग्नीशियम हैलाइड। और यहाँ पे जो OH समूह बनाया, एल्कोहल बनाया OH समूह से जुड़ा हुआ, ये कार्बन जो है वो कितने एल्कोहल ग्रुप से जुड़ रहा है, वन से, इसका मतलब कैसा एल्कोहल है, वन डिग्री एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। तो ये है आपका ऑक्सीडेन। अब इसी में नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बात करेंगे अपन सेकेंडरी एल्कोहलों का निर्माण। सेकेंडरी एल्कोहलों का निर्माण में क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट चल रहा है अपना द्वितीयक एल्कोहलों का निर्माण। सेकेंडरी एल्कोहलों का निर्माण करने के लिए अपन आपने क्या बनाया था, फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बना था वहां पे वन डिग्री एल्कोहल। अब सेकेंडरी एल्कोहल बनाने के लिए आपने फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा यहाँ पे मैंने अदर एल्डिहाइड के रूप में एसिड एल्डिहाइड लिया, उस एसिड एल्डिहाइड की अभिक्रिया वही गिरनार रिएजेंट के साथ करवाएंगे, तो
प्रोसेस वही रहेगा, किसका निर्माण हो जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। किस प्रकार से होगा, देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड के रूप में एग्जांपल लिया एसिड एल्डिहाइड CH3C OH, इसका नाम क्या है भाई, एसिड एल्डिहाइड। इस एसिड एल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ करवाई जाती है, गिरनार रिएजेंट के साथ, RMGH, किसकी प्रेजेंस में, शुष्क ईथर की उपस्थिति। तो ये कैसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यहां से मेटल पे क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव, इस पे क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव। देखो ये कार्बोनिल बॉन्ड के रूप में मैंने बताया था, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी, कैसे टूट जाएगा ये वाला कार्बोनिल बॉन्ड डिस्कनेक्ट करवाना है यहां पे। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण यहां पे क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव, यहां पे क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव पे कौन जुड़ जाएगा, ये आर नेगेटिव, तो देखो और ओ नेगेटिव पे कौन जुड़ जाएगा, MgH से पॉजिटिव, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा आपका, CH3CO, इस पर मैंने ऐड कर दिया MgX, ये H पहले से जुड़ा हुआ था और इसी पॉजिटिव पर मैंने जोड़ दिया R नेगेटिव। ये जो बना है इसका नाम होता है एडक्ट योगोत्पाद। इस योगोत्पाद का क्या करवाते हैं अपन, वही तनु एसिड की प्रेजेंस में, तनु एसिड के रूप में इसका क्या करवाते हैं आप, हाइड्रोलाइसिस H+OH नेगेटिव। देखो कौन सा बॉन्ड डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यहां से मेटल वाला, मेटल पे हमें से कहलाना है पार्शियली पॉजिटिव, यहां पे क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव। इस नेगेटिव के ऊपर कौन ऐड हो जाएगा, H पॉजिटिव, और Mg पॉजिटिव पे कौन ऐड हो जाएगा, OH नेगेटिव। ये बाहर कौन निकल जाएगा, सहउत्पाद के रूप में MgX, और यहां पे क्या जुड़ जाएगा, OH। Mg पे X पहले जुड़ा हुआ था, इस मेटल के ऊपर मैंने क्या जोड़ दिया यहां पे, OH। इसका नाम वही हो जाएगा क्षारीय मैग्नीशियम हैलाइड, क्षारीय मैग्नीशियम हैलाइड। और यहां से जो ओ नेगेटिव है इसके ऊपर क्या जुड़ जाएगा, एच पॉजिटिव। तो देखो यहां पे CH3 ऐसे कैसे रह जाएगा, यहां पे क्या है, CH, और इसी पर कौन जुड़ा हुआ है, R, C पर कौन जुड़ा हुआ है, यहां पे ऑक्सीजन नेगेटिव पर, ऑक्सीजन पे क्या जुड़ जाएगा, एच, तो एल्कोहल बना। अब ये OH समूह से जुड़ा हुआ कार्बन क्या है, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री, तो ये कैसा एल्कोहल कहलाएगा आपका, 2 डिग्री एल्कोहल। तो क्लियर है यहां से, यानी एसिड एल्डिहाइड की अभिक्रिया गिरनार अभिकर्मक के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवा दे, तो यहां से क्या बन जाएगा, योगोत्पाद, जिसका तनु अम्लों की उपस्थिति में क्या करवा दे, हाइड्रोलाइसिस करवा दे, तो किसका निर्माण हो जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही काफी।